देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब पॉजिटिव हो रहे लोगों का आंकड़ा प्रतिदिन 2 लाख पार जाने लगा है। इसी विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल बच्ची लिखते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती नजर आ रही है। बुधवार को इसने एक दिन में 2 लाख मरीजों का आंकड़ा छू लिया। ये आंकड़ा पिछली लहर से 2 गुना है। बता रहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट रूप को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले 15 दिन बहुत कठिन होंगे। विशारदों ने कहा था कि इस समय कोरोना शिखर पर है, इसके बाद उसका उतार शुरू होगा, लेकिन इस कथन को स्वीकार करने में जल्दबाजी ना करें। याद रखें कि इस दूसरी लहर को देश के जनवासी, चिकित्सक और प्रशासक मिलकर ही रोक सकते हैं। पिछले साल भारत के लोगों ने कोरोना से भयभीत हो लॉकडाउन और पूर्णबंदी के 5 चरणों के निर्देशों का पूरा पालन किया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही कोरोना के आंकड़े दबे, सब लोगों ने खुली छुट्टी लेनी शुरू कर दी। प्रशासन ढीला पड़ गया, टेस्टों में कमी आ गई, जांच प्रक्रिया नौकरशाही का हिस्सा बन गई। इसीलिए जाता जाता कोरोना वापस लौट आया। समय की मांग है कि अब देशवासी फिर पहले की तरह अनुशासित हो जाएं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन ही इस लहर को रोक सकते हैं। इसलिए केवल वैक्सीन या मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग पर भरोसा ना करें। तीनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। इसीलिए इस 3 सूत्रीय संघर्ष के साथ ही कोरोना का मुकाबला होना चाहिए। याद रहे कि कोरोना का जो टीका लग रहा है वह केवल शरीर में कोरोना निरोध की शक्ति पैदा करता है। कोरोना होने पर ये उपचार का टीका नहीं है, उपचार का टीका रेमडेसिविर है। इसके बारे में शोर हो गया कि रेमडेसिविर की उपलब्धता देश में जरूरत से कम हो गई है। कालाबाजारियों ने इसकी बिक्री में हाथ रंगने शुरू कर दिए हैं। जिस दाम पे ये बिकता था उससे 2 गुने 4 गुने दाम पे ये बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि 40,000 रुपए में ये टीका बिकने की खबर भी आई है, लेकिन सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि टीके की देश में कोई कमी नहीं, टीके का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठा लिए गए हैं। टीके की अचानक मांग बढ़ जाने से फौरी तौर पर कुछ असंतुलन हुआ है, क्योंकि जनवरी और फरवरी शुरू में जब कोरोना संक्रमण कम हुआ था तो इस टीके की मांग भी कम हो गई थी। संबंधित कंपनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका उत्पादन कम कर दिया था, लेकिन अब कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उत्पादन को बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी हो गए हैं। ये कमी बनावटी है, इसे पैदा करने वाले अपराधी हैं, वे दंड के भागी होंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मांडविया ने 12-13 अप्रैल को उत्पादकों और शेयर धारकों के साथ बैठकर रेमडेसिविर टीके की उपलब्धता की समीक्षा की। इस समय देश में 7 उत्पादक कंपनियां इस टीके का उत्पादन करती हैं और इनकी कुल क्षमता 38.80 लाख टीका प्रति माह है। इन सब उत्पादकों को 7 अतिरिक्त स्थानों पर टीके के उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। ये इकाइयां 10 लाख टीकों का प्रति माह और उत्पादन करेंगी। 30 लाख अतिरिक्त टीकों के उत्पादन की तैयारी हो रही है। इस प्रकार हर महीने 78 लाख रेमडेसिविर टीकों का उत्पादन शुरू हो गया। इन टीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने निर्यात के लिए भेजे जाने वाले 4 लाख टीकों को भी घरेलू बाजार में भेज दिया। इनके उत्पादकों ने कहा है कि इस टीके की कीमत 1 सप्ताह में 3500 रुपए कम की जाएगी। अस्पतालों और संस्थानों को इसकी आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर होगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण मशीनरी इसकी निगरानी कर रही है कि इसकी चोरबाजारी ना हो। इसके साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी कमी हो गई। पंजाब के बड़े शहरों में इसकी कमी को महसूस किया जा रहा है। सरकार ने तत्काल आदेश दिए कि व्यवसायिकों कामों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वे अब केवल चिकित्सा के लिए ही इस्तेमाल होंगे। चिकित्सक संस्थानों को प्राथमिक के आधार पर इनकी आपूर्ति की जाएगी। इसके बावजूद कोरोना का नियंत्रण करने के लिए जन जन को जागरूक होना पड़ेगा। बड़े हौसले और धीरज के साथ इस महामारी का मुकाबला करेंगे, तभी बात बनेगी। शीतल विज़।